लक्ष्मीनाथ बेसबरुआ आसाम के जो साहित्य है, आसाम के जो संस्कृति है, उनका बहुत ही एक पुरुधा व्यक्ति है। आसाम का जो स्टेट एंथम है उन्होंने ही लिखा है और हमें आसाम में उनको साहित्य रखे लक्ष्मीनाथ बेसबरुआ बोलते हैं। उड़ीसा का संबलपुर में वो जीवन का सबसे जो कीमती समय संबलपुर ने वो बिताया था और संबलपुर में जो हमारा लोकल सिटीजन है सब लोग मिलके बेसबरुआ जी का घर हो, बेसबरुआ जी का साहित्य है उसको संरक्षण करने के लिए अच्छा प्रयास कर रहा है। आसाम गवर्नमेंट भी इसमें सहयोग कर रहा है। मेरा मानना है लक्ष्मीनाथ बेसबरुआ उनका जो जीवन है ये आसाम और उड़ीसा का बीच का एक बहुत ही अच्छा कनेक्टिंग पॉइंट है। उनका जीवन आसाम और उड़ीसा का बीच में जो हमारा एज ऑल फ्रेंडशिप है उनको फिर एक बार लोगों का सामने लेके आते हैं। मैं उड़ीसा का जनता को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार से साहित्य की लक्ष्मीनाथ बेसबरुआ का जीवन और उनका जो लिटरेरी वर्क है उनको इतना अच्छा से आप लोग संभाल के रखा है। मैं आसाम का ओर से उड़ीसा का जनता को धन्यवाद देता हूँ। लक्ष्मीनाथ बेसबरुआ आसाम के जो साहित्य है, आसाम के जो संस्कृति है उनका बहुत ही एक पुरुधा व्यक्ति है। आसाम का जो स्टेट एंथम है उन्होंने ही लिखा है और हमें आसाम में उनको साहित्य रखे लक्ष्मीनाथ बेसबरुआ बोलते हैं। उड़ीसा का संबलपुर में वो जीवन का सबसे जो कीमती समय संबलपुर ने वो बिताया था और संबलपुर में जो हमारा लोकल सिटीजन है सब लोग मिलके बेसबरुआ जी का घर हो, बेसबरुआ जी का साहित्य है उसको संरक्षण करने के लिए अच्छा प्रयास कर रहा है। आसाम गवर्नमेंट भी इसमें सहयोग कर रहा है। मेरा मानना है लक्ष्मीनाथ बेसबरुआ उनका जो जीवन है ये आसाम और उड़ीसा का बीच का एक बहुत ही अच्छा कनेक्टिंग पॉइंट है। उनका जीवन आसाम और उड़ीसा का बीच में जो हमारा एज ऑल फ्रेंडशिप है उनको फिर एक बार लोगों का सामने लेके आते हैं। मैं उड़ीसा का जनता को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार से साहित्य की लक्ष्मीनाथ बेसबरुआ का जीवन और उनका जो लिटरेरी वर्क है उनको इतना अच्छा से आप लोग संभाल के रखा है। मैं आसाम का ओर से उड़ीसा का जनता को धन्यवाद देता हूँ।